हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 का सुपर पोजिशन ऑफ वेव चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसपे IIT, JEE, नीट्स, MST, CET इनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। वो वाला टॉपिक है हमारा हारमोनिक्स एंड ओवरटोन। ठीक है, तो इस हारमोनिक एंड ओवरटोन में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे हारमोनिक्स क्या होता है, ओवरटोन्स क्या होते हैं, कौन से केस में क्या प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट नहीं होता है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको समझ में ज़रूर आएगा, आपका हारमोनिक्स और ओवरटोन का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो देखो हारमोनिक्स एंड ओवरटोन्स पढ़ने से पहले हमने इस चैप्टर में जो पढ़ा है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। ठीक है, और हारमोनिक्स एंड ओवरटोन पढ़ने के लिए मैंने पहला जो चूज़ किया है टॉपिक वो है वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग पे जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसको स्टडी करते करते आपको हारमोनिक्स एंड ओवरटोन समझ में आ जाएगा। ठीक, लेकिन उससे पहले स्ट्रिंग पे अगर कोई वेव प्रोड्यूस करते हैं हम, तो वो कौन सी होती है, वो होती है ट्रांसवर्स वेव। वो ट्रांसवर्स वेव का रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा है। अगर कोई ट्रांसवर्स वेव रिजिड एंड से अगर रिफ्लेक्ट होती है तो फेस चेंज होता है पाई रेडियन का या 180 डिग्री का। इसका मतलब क्या है, जब वेव इधर जाएगी, क्रेस्ट जाएगा, तो टकरा के ऊपर नीचे क्या आ जाएगा, ट्रफ रिटर्न होगा। क्रेस्ट जाएगा, आते वक्त क्या आएगा, ट्रफ आएगा, उसको बोलते हैं 180 डिग्री फेस चेंज। ठीक है, और जब वही ट्रांसवर्स वेव अगर रिफ्लेक्ट होगी कहाँ से, किसी फ्री एंड से। ठीक है, तो फ्री एंड से रिफ्लेक्ट होते वक्त क्रेस्ट जाएगा तो क्रेस्ट ही रिटर्न आएगा, ट्रफ जाएगा तो ट्रफ ही रिटर्न आएगा, कोई भी फेस चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या है, जो हमारी स्टेशनरी वेव बनती है वो कैसी बनती है, हम यहाँ से एक वेव भेजते हैं, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, और उधर से रिटर्न होगी। इंसिडेंट वेव मतलब जाने वाली वेव और रिफ्लेक्टेड वेव दोनों एक दूसरे को ओवरलैप होगी, सुपर इम्पोज होंगी और हमारी स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब स्टेशनरी वेव में क्या क्या पढ़ा है, स्टेशनरी वेव में हमने पढ़ा है कि स्टेशनरी वेव जब बनती है तो लूप्स बनते हैं। क्या बन जाते हैं उसमें, लूप्स बन जाते हैं। और लूप्स भी कैसे बनते हैं, मान लो ये बना है स्टेशनरी वेव हमारा। ठीक है, थोड़ा लंबा, ये गई वेव और मान लो फेज डिफरेंस हो गया, ये रिटर्न हो गई हमारी वेव। ठीक है, ये जाने वाली वेव, ये डॉट वाली है रिटर्न वाली वेव। ठीक, तो एक लूप बन गया ये वाला, एक ये दूसरा लूप बन गया, ये तीसरा लूप बन गया। ये जो पॉइंट्स है इनको बोलते हैं नोड्स। ठीक है, जो कभी उनकी मेन पोजीशन से हटेंगे ही नहीं, कभी नहीं, उनका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन विल ऑलवेज बी जीरो, उनको बोलते हैं नोड्स। और ऐसे जो जिनका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है या जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है फ्रॉम मेन पोजीशन से, उसको बोलते हैं हम एंटी नोड। इनके बारे में और क्या मालूम है, हमको इतना मालूम है कि इस लूप के पार्टिकल एक साथ ऊपर जाएंगे और एक साथ नीचे आएंगे। ठीक है, जैसे हमारा प्रोग्रेसिव वेव में नहीं होता था, प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता था, पहले ये वाला पार्टिकल ऊपर जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, ये जाएगा, पहले ये नीचे आएगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये नीचे आएगा, ऐसा इसमें नहीं होता है। एक लूप के सारे पार्टिकल्स एट ए टाइम ऊपर जाएंगे, एट ए टाइम नीचे आएंगे, इसलिए उनमें फेज डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, और क्या है, जब ये पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे तो ये वाले लूप के पार्टिकल्स नीचे जाएंगे, वापस ये वाले लूप के पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे। तो एडजेसेंट लूप के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का फेज डिफरेंस कितने का होता है, पाई रेडियन या 180 डिग्री का होता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, नोड और नोड इनका डिस्टेंस होता है लैम्ब्डा बाई टू। टू सक्सेसिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस है लैम्ब्डा बाई टू। ठीक है, एक एंटी नोड और एक नोड, इनके बीच का डिस्टेंस होता है लैम्ब्डा बाई फोर। बस इतनी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है, आपको ये समझ में आ जाएगा, हार्मोनिक समझ में आ जाएगा, ओवरटोन समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ते हैं वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग। अभी स्ट्रिंग कैसी है, तो स्ट्रिंग को देखो, एक जगह पे हमको क्लैंप करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा एंड जो है स्ट्रिंग का, वो एक तो हम हाथ में रख सकते हैं फ्री एंड बोल के, या दूसरा एंड भी हम क्या कर देंगे, क्लैंप कर देंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं स्ट्रिंग जो है वो दोनों एंड पे क्लैंप होगी। ठीक है, तो उसमें भी पहला केस होगा
कि स्ट्रिंग क्लैम्प्ड एट बोथ एंड्स। ठीक है, तो देखो पिक्चर कैसे बनेगा। पिक्चर होगा दिस इज रिजिड एंड दिस इज ऑल्सो रिजिड। ठीक है, दोनों साइड पे स्ट्रिंग को क्लैम्प कर दिया, ये है अपनी स्ट्रिंग, क्लैम्प हो गई। ठीक है, अभी हम इसको क्या करेंगे, वाइब्रेट कराएंगे। हम इसको वाइब्रेट कैसे करेंगे, एक छोटा सा इसको प्लग करेंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, एक छोटा सा इसको प्लग देंगे हम, ताकि ये स्ट्रिंग क्या हो, वाइब्रेट होने लग जाएगी। ठीक, तो देखना यहाँ पे एक वेलोसिटी का कंसेप्ट है जो 11th में पढ़ा था, वो जानना बहुत ज़रूरी है। देखो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मूला है वी इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन स्मॉल ए। ठीक है, टी क्या है, टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टी इज टेंशन इन स्ट्रिंग। अभी ये फॉर्मूला कहाँ पे देखा था आपने, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्लास 11 साउंड चैप्टर में, जहाँ पे आपको बोला गया है ट्रांसवर्स वेव टॉपिक है, एक ट्रांसवर्स वेव में ट्रांसवर्स वेव का वेलोसिटी बोला गया है, और ये जो है ना ये है मास पर यूनिट लेंथ, किसका, ऑफ स्ट्रिंग। मान लो टोटल स्ट्रिंग का जो मास है वो है 20 kg, और स्ट्रिंग की जो लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ है मान लो वो है 10 मीटर की, कितनी मीटर की, 10 मीटर की। तो छोटा m क्या आएगा आपका, मास पर यूनिट लेंथ, 20/10 2 kg पर मीटर, पर मीटर कितना लेंथ है, सॉरी पर मीटर कितना मास है उस वायर का या फिर उस स्ट्रिंग का, वो स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ जिसे बोलते हैं वो होता है छोटा m। छोटा m को मतलब स्मॉल m को मास में कन्फ्यूज मत होना कभी भी। ठीक है, ये मास जो है कैपिटल m होगा अगर मास दिया रहेगा क्वेश्चंस में तो, और ये जो स्मॉल m है वो है मास पर यूनिट लेंथ। मास दिया रहेगा आपको, लेंथ दिया रहेगा, मास पर यूनिट लेंथ आपको निकालना है। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग में से कोई भी वेव अगर जाएगी तो उस वेव की वेलोसिटी कितनी होगी जो प्रोड्यूस करेंगे हम इस पर, तो उस वेव की वेलोसिटी होगी v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन m, वेयर t इज टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग। ठीक है, और दूसरा स्मॉल m, वेयर स्मॉल m इज मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इतना समझ में रखना चाहिए, क्लास 11 का ये लगेगा। अभी देखो हम क्या करेंगे, हम इसका हर केस में एक चीज़ कैलकुलेट करेंगे जिसको बोलते हैं वाइब्रेटिंग लेंथ। वाइब्रेटिंग लेंथ हम हर केस में कैलकुलेट करने वाले हैं। अभी देखो ये जो है, ये स्ट्रिंग को हम कौन सी फ्रीक्वेंसी दे के वाइब्रेट करा सकते हैं, ऐसी कौन सी फ्रीक्वेंसीज है, ऐसी फिक्स्ड फ्रीक्वेंसीज है जिस पे हम इस स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट करा सकते हैं। वो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू हम निकाल लेंगे, और उन फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यूज है उनको ही हम नाम देंगे, किसी को हार्मोनिक्स और बाद में ओवरटोन्स। अभी ये ध्यान से पढ़ना, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, अभी एक बात समझना, एक वेव ऐसी है, ठीक है, ऐसी, दूसरी वेव है ऐसी, ऐसी, और थर्ड वेव है ऐसी। डिफरेंस क्या है, ये जो है इसमें देखो सिर्फ दो लूप है, ठीक है, इसमें देखो 1, 2, 3 और 4, इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और बाकी छोटा 8। तो इसमें हम बोलेंगे कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये फ्रीक्वेंसी है वेरी लेस, लिस्ट बोल दे, सबसे लिस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें मिलेंगी, बाद में ये थोड़ी ज़्यादा, बाद में ये पूरी ज़्यादा। लेंथ वही है स्ट्रिंग की, लेकिन हम उस स्ट्रिंग को अलग अलग तरीके से वाइब्रेट करा सकते हैं, जो प्लकिंग करेंगे ना हम उस पर डिपेंड करता है। जोर से करेंगे तो ज़्यादा लूप प्रोड्यूस होगा, धीरे करेंगे तो कम लूप प्रोड्यूस होंगे। तो जोर से प्लग करना या धीरे से प्लग करना मतलब क्या, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देना या जीरो कम फ्रीक्वेंसी देना। तो ये जो है स्ट्रिंग वही है, उसी स्ट्रिंग को इस तरह से भी वाइब्रेट कर सकते हैं, इस तरह से भी हम उसको वाइब्रेट करा सकते हैं, डिपेंड्स कि हम फोर्स या प्लकिंग कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो है फ्रीक्वेंसी इस वेव का कम है, इस वेव का फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज़्यादा है, इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा है। तो मिनिमम हम कितनी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करा सकते हैं इस स्ट्रिंग से, वो हम अभी पहले कैलकुलेट करते हैं। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकाल सकते हैं, तो देखना, इसको मैंने प्लग किया, इसको क्या मैंने किया, मैंने प्लग कर दिया, तो ये वाइब्रेट होने लग जाएगा। वाइब्रेट कैसे होगा, तो मैं इसी में बनाता हूँ, वाइब्रेट होगा
ऐसा ऊपर जाएगा, एकदम स्मॉल फोर्स, एकदम छोटा सा फोर्स लगाया आपने, तो ये क्या होगा, स्ट्रिंग ऊपर नीचे हो जाएंगे। ये हम रबर लेके कर सकते हैं, ठीक है। रबर को दो लकड़ियों में फिक्स कर दो और ऐसा बीच में से उसको स्प्रिंग कर दो, ठीक है। कप तो ये जो है ऐसा ऊपर नीचे होगा, यही वायर है, ये भी वही है, सिर्फ ये ऊपर नीचे दिखाने के लिए। ये ऊपर जाए जो है वो सॉलिड भी वायर, वही स्प्रिंग, सॉरी वही स्ट्रिंग है और वही स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग ऐसे ऊपर नीचे करती जाएंगी। तो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये तो फिक्स्ड है, स्ट्रिंग के दोनों पॉइंट्स फिक्स्ड है, क्लैंप एट बोथ एंड्स, दोनों एंड क्लैंप करके रखे हैं, तो दोनों एंड क्लैंप है तो दोनों एंड्स पे क्या प्रोड्यूस होगा, दोनों एंड्स पे प्रोड्यूस होगा नोड, क्योंकि फिक्स्ड एंड से यहाँ के मॉलिक्यूल्स फ्री टू वाइब्रेट नहीं होते, फ्रीली वाइब्रेट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, नोड्स प्रोड्यूस हो जाएगा क्योंकि दोनों एंड्स फिक्स्ड है, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग की अगर वाइब्रेटिंग लेंथ हम निकालेंगे तो कैलकुलेट करो, कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक नोड है और ये एक नोड है, दो नोड के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है या डिस्टेंस कितना होता है, दो के बीच, दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस होता है सक्सेसिव नोड्स के बीच में। देखो बीच में कहीं पे नोड है क्या, नहीं है, पहला नोड उसका सक्सेसिव दूसरा नोड, दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है लैम्डा बाय टू, और यही क्या थी हमारी स्ट्रिंग थी। तो स्ट्रिंग की लेंथ भी एल है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एल इज इक्वल टू लैम्डा बाय टू, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू टू एल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अभी देखो हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी, ये हार्मोनिक ओवरटोन्स में क्या है, सब फ्रीक्वेंसी का खेल है। हमें मालूम है पुराना फॉर्मूला, v इज इक्वल टू एन लैम्डा, वेलोसिटी इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो एन इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा, वी की वैल्यू डाल देंगे अंडर रूट टी बाय एम, और अपॉन लैम्डा, अपॉन लैम्डा मतलब इन टू वन अपॉन लैम्डा, ऐसा हम लिख सकते हैं, तो इन टू वन अपॉन लैम्डा करेंगे तो लैम्डा है 2L, तो 1 अपॉन 2L। तो फ्रेंड्स ये जो है 1 अपॉन 2L, L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, अंडर रूट टी अपॉन एम इज द वेलोसिटी, ठीक है। अगर वेलोसिटी मालूम नहीं है तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, स्ट्रिंग का टेंशन मालूम होना चाहिए और स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ तो हम ऐसे भी कैलकुलेट कर ही सकते हैं, करके बताया मैंने। तो ये जो है ये सबसे पहली और लीस्ट, सबसे कम फ्रीक्वेंसी है कि उससे भी कम फ्रीक्वेंसी पे हम इस स्ट्रिंग को वाइब्रेट नहीं कर सकेंगे। तो मिनिमम लीस्ट कौन सी फ्रीक्वेंसी है कि जिस फ्रीक्वेंसी पे, जिस लीस्ट फ्रीक्वेंसी पे हम क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रिंग को वाइब्रेट करा सकते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी हमें मिलेंगी इस फॉर्मूले से, ठीक है। और ये जो लीस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, इसी लीस्ट फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं हार्मोनिक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, हार्मोनिक, या बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हार्मोनिक ही जाने दो, इसको बोलेंगे, दिस इज लीस्ट फ्रीक्वेंसी, एंड लीस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, विच फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ना, इसी को हम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। कि जो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी, मिनिमम लीस्ट सबसे पहली प्रोड्यूस होने वाली जो फ्रीक्वेंसी है स्ट्रिंग पे, वो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, बेसिक फ्रीक्वेंसी है, या इसको बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, मतलब पहली ऐसी फ्रीक्वेंसी जो अच्छे से इसको क्या कर सकते हैं, मिनिमम ऐसी फ्रीक्वेंसी जो स्ट्रिंग को वाइब्रेट करा सकते हैं, उसको बोलते हैं हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। अभी अगला केस पढ़ते हैं, वापस क्या है, दोनों साइड पे नोड ही प्रोड्यूस होगा। अभी हम इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, कौन सी ऐसी फ्रीक्वेंसी हम इसको दे सकते हैं कि अच्छे से वाइब्रेट करे वापस, ठीक है। जब तक हम अच्छी फ्रीक्वेंसी इसको नहीं देंगे, जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे ना उस पर डैम भी हो सकता है, ये जो वाइब्रेशन है एकदम अच्छा सा वाइब्रेशन है, ठीक है, ढंग से वाइब्रेट करेगी। अगर मैं यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज लिखूंगा वो फ्रीक्वेंसीज के अलावा अगर हम कोई फ्रीक्वेंसी दे देते हैं, तो जो ये स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग ढंग से वाइब्रेट तो करेगी लेकिन ढंग से वाइब्रेट नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं डैम्प्ड वाइब्रेशंस, ठीक है। डैम्प्ड वाइब्रेशंस हो जाएंगे जो हमको नहीं चाहिए, हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स कभी भी हमको डैम्प्ड वाइब्रेशंस नहीं देंगे, अच्छे वाले वाइब्रेशंस देंगे, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या कर सकते हैं, हम इसमें लूप कैसे बढ़ा सकते हैं, लूप हम ऐसे बढ़ा सकते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे, एक ये ऐड कर देंगे, क्या बोलते हैं उसको, एक और नोड ऐड कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं बीच में तो कुछ नहीं, तो चलो यहाँ पे एक नोड ऐड कर दिया मैंने, यहाँ पे तो नोड ही प्रोड्यूस होगा, तो ये गई हमारी स्ट्रिंग ऐसी और ऐसी, रिटर्न हुई मेरी ऐसी और ऐसी,
उसी स्ट्रिंग को अभी हमने इस मोड में वाइब्रेट कराया, सेम उसी स्ट्रिंग को हमने इस मोड में वाइब्रेट कराया, ठीक है। यहाँ पे नोड, यहाँ पे नोड, यहाँ पे भी नोड, ये है उसका लेंथ, और यहाँ पे हम लिखेंगे लैम्ब्डा की टर्म्स में। देखो लैम्ब्डा की टर्म्स में अभी कैसे लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक नोड टू नोड लैम्ब्डा बाय टू, वापस नोड टू नोड लैम्ब्डा बाय टू, टोटल लेंथ कैसे लिखेंगे हम लैम्ब्डा। तो सिंपल, यहाँ लैम्ब्डा इज इक्वल टू एल हो गया, यहाँ पे वी इज इक्वल टू एन लैम्ब्डा है, तो एन इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्ब्डा, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी, वी अपॉन लैम्ब्डा, वी है अंडर रूट टी अपॉन एम, और लैम्ब्डा की जगह पे मैं क्या करूँगा एल लिख दूंगा, क्योंकि लैम्ब्डा इज इक्वल टू एल, पहले लैम्ब्डा इज इक्वल टू टू एल हुआ था, अभी क्या है लैम्ब्डा इज इक्वल टू एल, तो लैम्ब्डा की जगह पे यहाँ पे टू एल डाला था, यहाँ पे डाल दो एल। इसको मैं वापस अच्छे से लिखता हूँ, इसको बोलता हूँ मैं एन वन, ठीक है, ये तो फंडामेंटल बेसिक फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, इसको बोल देता हूँ मैं एन वन। क्या बोलते हैं, क्या नोटेशन रखते हैं, उससे कोई मीनिंग है नहीं, ठीक है। देखो इसमें मैं लिखूँ टू इंटू वन अपॉन टू एल, क्या करा मैंने टू एडजस्ट करा, यहाँ से ढंग से देखो वन अपॉन टू एल अंडर रूट टी बाय एम, वन अपॉन टू एल अंडर रूट टी बाय एम, इसको अगर देखेंगे तो टू ये पहला वाला एज इट इज़, और वन अपॉन टू एल अंडर रूट टी बाय एम को क्या लिखूंगा मैं एन लिखूंगा, तो ये फ्रीक्वेंसी मिली हमको टू एन, ये फ्रीक्वेंसी क्या मिली हमको टू एन। तो ये टू एन क्या है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी है, कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद हम ऐसी कौन सी फ्रीक्वेंसी उस स्ट्रिंग को दे सकते हैं ताकि स्ट्रिंग अच्छे से वाइब्रेट हो, स्ट्रिंग में डैम्प्ड वाइब्रेशंस प्रोड्यूस ना हो। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी वन अपॉइंट टू एल अंडर रूट टी बाय एम। उसके बाद में हमने अगला मोड क्या दिया, ये जो यही दे सकते हैं, इसके अलावा अगला जस्ट अगला वाला मोड दूसरा नहीं हो सकता, दो नोड थे हम क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा फोर्स लगा के, जो थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगा के क्या कर सकते हैं, बीच में एक नोड ला सकते हैं, जो कि ला दिया, तो उसकी वजह से मोड ऐसा बन गया हमारा, वाइब्रेशन का मोड ऐसा हो गया। तो तब मैंने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करी, मुझे मिली 2n। तो पहली बेसिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी n, और उसके बाद में, उसके तुरंत बाद में जो नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी ऐसी कि जिसमें हम स्ट्रिंग को अच्छे से वाइब्रेट करा सकते हैं, वो फ्रीक्वेंसी मिली मुझे 2n। तो ये जो 2n है ना, इसको मैं बोलूँगा सेकंड हार्मोनिक, क्योंकि पहली को जो बेसिक या फंडामेंटल थी उसको मैंने फर्स्ट हार्मोनिक बोल दिया, ये है सेकंड हार्मोनिक। अभी जो है ये सेकंड हार्मोनिक को दूसरा नाम है, ये है फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। मतलब दिस ओवरटोन मीन्स द फ्रीक्वेंसीज हायर दैन, फ्रीक्वेंसीज हायर दैन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज विच आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द साउंड और विच आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द वेव, ठीक है, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। हार्मोनिक्स जो है वो हार्मोनिक्स जो स्ट्रिंग है या आगे हम पाइप पढ़ेंगे, वो हार्मोनिक्स शायद जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही है उस पर एग्जिस्ट हो या ना हो, ओवरटोन्स जो है ओवरटोन्स हमेशा वेव में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। मैं दोबारा बोलते हूँ, हार्मोनिक्स जो है, यहाँ पे तो देखो फर्स्ट हार्मोनिक भी प्रेजेंट है, फर्स्ट हार्मोनिक से भी वाइब्रेट कर सकती है, सेकंड हार्मोनिक पे भी वाइब्रेट कर रही है, लेकिन आगे आगे जब हम देखेंगे ना, कुछ कुछ हार्मोनिक्स मिस होती जाएंगी, कुछ कुछ हार्मोनिक्स मिस होती जाएंगी, सिर्फ हमें क्या मिलता जाएगा, ओवरटोन मिलते जाएंगे। तो ओवरटोन क्या है, ओवरटोन है इट इज़ द नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दैन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है एक ही होती है, जो बेसिक फ्रीक्वेंसी होती है वो एक, फंडामेंटल मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो हम स्ट्रिंग को दे सकते हैं ताकि वो अच्छे से वाइब्रेट हो। मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऐसी कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे ये स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है उसको बोलते हैं बेसिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद जो हायर फ्रीक्वेंसीज हमको मिलती जाएंगी कि जिन पे एक्चुअली हमारी स्ट्रिंग वाइब्रेट कर सकती है अच्छे से, उस एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज को हम बोलेंगे ओवरटोन्स। ओवरटोन्स जो है वो हमारी वेव्स में प्रेजेंट रहेंगे, हार्मोनिक्स प्रेजेंट रह भी सकती है या अब्सेंट भी हो सकती है, वो आगे हमें पता चलेगा, इसका अलग सा मोड़ पढ़ेंगे हम तभी हमको पता चलेगा। कुछ कुछ हार्मोनिक्स नहीं आएंगी और कुछ कुछ हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है। तो जो हार्मोनिक्स प्रेजेंट है उनको ओवरटोन बोलेंगे, ठीक है, ऐसा समझ लो कि जो हार्मोनिक्स प्रेजेंट है उनको ओवरटोन बोलेंगे। और ओवरटोन में कभी भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को नहीं गिनना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद की फ्रीक्वेंसीज जो एक्चुअली प्रेजेंट होती है उनको गिनना। इसमें और एक मोड ले लेते हैं अपन,
हम क्या कर सकते हैं, दो लूप की जगह पे और कितना लूप प्रोड्यूस कर सकते हैं, तीन लूप। तीन लूप कैसे प्रोड्यूस करेंगे, बीच में पहले एक नोड था, अभी दो नोड ला लेते हैं, तो हमारी स्ट्रिंग ऐसी जाएगी, यहाँ पे नोड, वापस यहाँ पे नोड, आएगी कैसी, ऐसी आई, ऐसी आई, ऐसी आई। ये है उसका लेंथ, इसमें हम लिखेंगे लैम्ब्डा की टर्म्स में, ठीक है। ये है रिजिड, ये है रिजिड, नोड टू नोड लैम्ब्डा बाय टू, लैम्ब्डा बाय टू, सॉरी लैम्ब्डा बाय टू। देखो नोड टू नोड डिस्टेंस है लैम्ब्डा बाय टू, ये पूरा डिस्टेंस हो गया, और लैम्ब्डा बाय टू ऐड कर दो, और लैम्ब्डा बाय टू ऐड कर दो, थ्री लैम्ब्डा बाय टू हो जाएगा। तो ये लेंथ है हमारा थ्री लैम्ब्डा बाय टू, तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा थ्री लैम्ब्डा बाय टू, तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू टू एल बाय थ्री, लैम्ब्डा हो जाएगा टू एल बाय थ्री। इस फॉर्मूले से एन इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्ब्डा, वेयर वी इज अंडर रूट टी बाय एम। तो एन इज इक्वल टू वी क्या है, अंडर रूट टी बाय एम, और लैम्ब्डा वन अपॉन लैम्ब्डा, तो वन अपॉन लैम्ब्डा यहीं पे लिख दूं मैं क्या, थ्री अपॉन टू एल, तो थ्री अपॉन टू एल। थ्री अपॉन टू एल को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये जो वन अपॉन टू एल अंडर रूट टी एम है, इसको मैं क्या लिख सकूँ, थ्री एल। तो ये जो नेक्स्ट हायर फ्रिक्वेंसी मिली मुझे, ये जो नेक्स्ट हायर फ्रिक्वेंसी है, इसको मैं बोलूँगा थर्ड हार्मोनिक। इस फ्रिक्वेंसी पे एक्चुअली वाइब्रेट हम करा सकते हैं स्ट्रिंग को, और इसको कितना ओवरटोन बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम सेकंड ओवरटोन, ठीक है। क्योंकि ओवरटोन के टाइम पे फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी को कुछ नहीं बोलना, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के बाद की जो है फ्रिक्वेंसी वो है फर्स्ट। तो फंडामेंटल के बाद की कौन सी थी, 2n, 2n मतलब फर्स्ट ओवरटोन। अभी 3n फंडामेंटल के बाद सेकंड हायर फ्रिक्वेंसी, सेकंड हायर है तो उसको बोलेंगे हम सेकंड ओवरटोन, ठीक है। तो दोस्तों हमको समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे हम लूप बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे लूप हम बढ़ाते जाएंगे, हमको कौन सी फ्रिक्वेंसी मिलेगी, अगली मिलेगी हमको 4n, जिसको हम बोलेंगे फोर्थ हार्मोनिक और थर्ड ओवरटोन। उसके बाद मिलेंगी 5n, उसको हम बोलेंगे फिफ्थ हार्मोनिक और फोर्थ ओवरटोन। इस तरह से हमको मिल जाएगा। तो जनरली क्या होगा, जब स्ट्रिंग इज क्लैम्प्ड एट बोथ द एंड्स, हमको पी ओवरटोन मिलाने के लिए हमको कितना हार्मोनिक लाना पड़ेगा, पी प्लस वन हार्मोनिक लाना पड़ेगा। क्योंकि क्या, सेकंड ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन मतलब क्या, थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। फर्स्ट ओवरटोन मतलब क्या, सेकंड हार्मोनिक, ठीक है। इस तरह से जो ओवरटोन होगा वो हमेशा एक कम होगा किससे, हार्मोनिक से। कौन सी केस में, इस केस में जहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिंग इज क्लैम्प्ड एट बोथ द एंड्स। तो दोस्तों ऐसा था पहला केस कि यहाँ पे स्ट्रिंग हमारी क्लैम्प्ड है बोथ एंड्स पे, और उसकी वजह से जो जो फ्रीक्वेंसी हम प्रोड्यूस करा सकते हैं, सबसे लिस्ट जो प्रोड्यूस होंगे उसको बेसिक बोल दिया, उसके बाद में जो होंगे उसको हार्मोनिक, सेकंड थर्ड हार्मोनिक फोर्थ हार्मोनिक बोलते जाएंगे, और फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन एंड सो ऑन, ठीक है। तो एट बोथ एंड्स पे हमको ये वाला रिलेशन मिल जाता है, इससे वेलोसिटी निकलती है और वी अपॉन लैम्ब्डा से फ्रीक्वेंसी निकलती है, वैसे निकालते जाएंगे। अभी आगे हम वैसे ही करेंगे। अभी क्या होगा, जो स्ट्रिंग पहले कैप एट बोथ एंड्स था, अभी वो सिर्फ एक ही एंड पे क्लैंप होगा और दूसरा एंड हमारे हाथ में होगा, दूसरा एंड फ्री होगा, ठीक है। तो चलिए उसका पढ़ते हैं, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए अभी हम पढ़ते हैं, जो स्ट्रिंग है हमारी वो एक एंड पे क्लैंप होगी और दूसरे एंड पे फ्री होगी, ठीक है। दूसरा एंड फ्री है मतलब क्या होगा, दूसरे साइड पे है ना, दूसरे साइड पे एंटी नोड प्रोड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि फ्री एंड पे जो है वो पार्टिकल्स आराम से ऑसिलेट हो सकते हैं, जब वेव फ्री एंड पे जाएगी तो वाला पार्टिकल भी ऊपर उठ जाएगा जहाँ से रिफ्लेक्ट होना है उसको, ठीक है। तो इसको मिनिमम कैसे वाइब्रेट होगा, देखो फ्री एंड पे हम क्या प्रोड्यूस कराएंगे, फिर एंटी नोड, ठीक है। क्योंकि ये वाला फ्री है, ये वाला फिक्स्ड है, ये वाला फिक्स्ड है, तो यहाँ पे नोड ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है। लेकिन ये जो फ्री है, फ्री पे क्या प्रोड्यूस होगा, एंटी नोड। तो इसको वाइब्रेट कैसे करा सकते हैं, इस तरह से बस, और ये नीचे ऊपर, ये फ्री एंड है हमारे हाथ में है, हम ऐसे उसे उसको कर सकते हैं। जोर से करेंगे तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा लूप नहीं चाहिए, कम से कम लूप हम कैसा प्रोड्यूस कर सकते हैं, इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आधा प्रोड्यूस हुआ उसमें हमारा कोई गलती नहीं है, आधा प्रोड्यूस हुआ। तो चलिए अभी हम यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ एल मान लेते हैं, और यहाँ पे अभी लैम्ब्डा की टर्म में लिख लेते हैं। देखो ये नोड है और है नेक्स्ट एंटी नोड, नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, वो होता है लैम्ब्डा बाय फोर, तो हो गया लैम्ब्डा बाय फोर। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ एल इज इक्वल टू लैम्ब्डा बाय फोर, तो लैम्ब्डा इज इक्वल टू
4L, और वापस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाय एम, ठीक है, और वन अपॉन लैम्डा क्या होगा, वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू वन अपॉन 4L, तो यहाँ पे लिख दूँ मैं वन अपॉन 4L, ठीक है। तो दोस्तों जब स्ट्रिंग का एक एंड फ्री रहेगा और एक एंड क्लैम्प्ड रहेगा तो उस वक्त उस स्ट्रिंग को हम मिनिमम लीस्ट कौन सी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करा सकते हैं, लीस्ट ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पे ये अच्छे से वाइब्रेट हो सकती है वो इस फॉर्मूले से मिलेंगी, ठीक है, फॉर्मूले के टर्म्स हमको मालूम है। तो ये जो है ये इस केस में ये जो है ये क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है और बेसिक फ्रीक्वेंसी, या इसी को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। जो वायर का क्लैंपिंग है वो चेंज होगा तो आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, हार्मोनिक का फॉर्मूला चेंज होगा। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, दूसरा मोड क्या कर सकते हैं, नोड बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे, एक नोड बढ़ा दो, एक नोड कैसे बढ़ेगा, बीच में एक डाल दो नोड, ठीक है, ये गई ऐसी और ऐसी, ये तो फ्री एंड है, फ्री एंड पे क्या प्रोड्यूस होगा, फ्री एंड पे हमारा एंटी नोड ही प्रोड्यूस होना है, ठीक है, ये है दूसरा मोड। तो ये हो गया नोड, ये हो गया नोड, ये है एंटी नोड। चलो लेंथ बोलो, लेंथ तो एल है, ठीक है, ये लैम्डा बोलो, लैम्डा कैसे बोलेंगे, नोड टू नोड लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू और नोड टू एंटी नोड कितना, ये लैम्डा बाई टू है, ये लैम्डा बाई फोर है, ऐड करो, ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा थ्री लैम्डा बाय फोर, क्योंकि लैम्डा बाई टू को मैं लिख सकता हूँ टू लैम्डा बाई फोर, ये प्लस लैम्डा बाई फोर, थ्री लैम्डा बाई फोर, तो एल इज इक्वल टू थ्री लैम्डा बाई फोर, तो लैम्डा इज इक्वल टू फोर एल बाई थ्री, और फिर क्या हो जाएगा, वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू थ्री बाय फोर एल। चलो इसके लिए निकालते हैं, एन इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा, वी है अंडर रूट टी अपॉन एम, और वन अपॉन लैम्डा है थ्री अपॉन फोर एल, तो थ्री अपॉन फोर एल को मैं ऐसा लिखता हूँ, या फिर ढंग से देखना, ये है वन अपॉन फोर एल अंडर रूट टी अपॉन एम, इसको मैं लिख दूँ वन अपॉन फोर एल अंडर रूट टी अपॉन एम, तो ये क्या मिला थ्री एन। तो इस केस में देखो मैंने तुमको बोला था जब स्ट्रिंग को हम वाइब्रेट कराएंगे अच्छी तरीके से तो देखना यहाँ पे सेकंड हार्मोनिक नहीं मिलती हमको, डायरेक्ट कौन सी हार्मोनिक मिली हमको, थर्ड हार्मोनिक। तो इसको मान लो अगर हमें फर्स्ट हार्मोनिक मिलता है 100 हर्ट्ज, एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया मैंने यहाँ पे रख दिया और ट्यूनिंग फॉर्क को मैंने वाइब्रेट कराया 100 हर्ट्ज से, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी इसको ट्रांसफर होगी, ये जो स्ट्रिंग है ये अच्छे से वाइब्रेट करने लग जाएगी, ठीक है, अच्छे से वाइब्रेट करेगी। और अगर मैंने बाद में सोचा कि 100 हर्ट्ज पे अच्छे से वाइब्रेट कर रही है तो 200 हर्ट्ज पे वाइब्रेट करा के देखते हैं। जैसे ही मैंने ये ट्यूनिंग फॉर्क सेट किया मैंने 200 हर्ट्ज पे, मुझे ये जो वायर है अभी कैसे दिख रही, अच्छे से वाइब्रेट होते हुए दिख रही, वो वायर ऐसे ऐसे वाइब्रेट होने लग जाएगी। इसको बोलते हैं डैम्प ऑसिलेशन, कभी एम्पलीट्यूड ज़्यादा कभी कम, ठीक है, ऐसा वाला ऑसिलेशन प्रोड्यूस होगा कब, 200 पे। अब बोलेंगे पहला अगर एन है तो ये 2N है, 2N पे भी वाइब्रेट होनी चाहिए थी, लेकिन इस केस में 2N पे मतलब सेकंड हार्मोनिक पे हमारा जो ऑसिलेशन मिलेगा वो हमें मिलेगा डैम्प्ड वाला, ठीक है, उससे हमारी स्ट्रिंग ढंग से वाइब्रेट नहीं कर सकती, अच्छे से वाइब्रेट नहीं कर सकती। तो इसको अगर हमने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी दी है 100 हर्ट्ज तो 200 हर्ट्ज पे अच्छे से वाइब्रेट नहीं करेंगी, कब वाइब्रेट करेंगी अच्छे से, 300 हर्ट्ज पे, क्योंकि नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी हमको क्या मिलती है, नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी हमको मिलती है 3N, तो इसको मैं बोलूँगा थर्ड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक इसमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो मैंने पहले भी बोला था कि कभी कभी क्या होगा हार्मोनिक सारी प्रेजेंट रहेगी, ठीक है, कहीं कहीं पे क्या होगा कुछ हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं रहेगी, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। और फिर हम इसको ये 3N को सेकंड ओवर टोन बोल देंगे क्या, तो बिल्कुल नहीं, ये जो ओवर टोन हमेशा रहेंगे तो इसको बोलेंगे हम फर्स्ट ओवर टोन, ओवर टोन्स हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। तो बेसिक फ्रीक्वेंसी के बाद जो नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो है फर्स्ट ओवर टोन, और ओवर टोन ऑलवेज विल बी प्रेजेंट इन द वेव। नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो उसको बोलेंगे सेकंड ओवर टोन, और जो हार्मोनिक का नंबर मिलेगा इंटीजर उसको हार्मोनिक बोल देंगे, ठीक है। देखो और एक बनाते हैं, और क्या कर सकते, और एक नोड प्रोड्यूस कर दो, ठीक है, नोड ही प्रोड्यूस तो करना है, एक नोड, ये दूसरा नोड, इधर फ्री एंड है, ठीक है, यहाँ से आया, ठीक है, नोड नोड लैम्डा बाय टू प्लस लैम्डा बाय टू, यहाँ से यहाँ तक लैम्डा हो गया,
और वापस इसमें एंटी नोड। देखो यहाँ से यहाँ तक लैम्बडा हो गया और ये लैम्बडा बाई फोर, तो लैम्बडा प्लस लैम्बडा बाई फोर, फाइव लैम्बडा बाई फोर, लेंथ तो उतना ही है ठीक है। तो एल इज इक्वल टू लिख दूंगा मैं फाइव लैम्बडा बाई फोर, तो लैम्बडा इज इक्वल टू फोर एल बाई फाइव, वन बाई लैम्बडा इज इक्वल टू फाइव अपॉन फोर एल ठीक है। चलो अभी इसमें एन इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्बडा, वी की वैल्यू है अंडर रूट टी बाई एम, वन अपॉन लैम्बडा है फाइव अपॉन फोर एल। अभी फिर से देखो फाइव अपॉन फोर एल, ये वन अपॉन फोर एल अंडर रूट टी बाई एम, वन अपॉन फोर एल अंडर रूट टी बाई एम, ये क्या है वन अपॉन फोर एल अंडर रूट टी बाई एम है हमारी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, बेसिक फ्रिक्वेंसी। तो देखो नेक्स्ट हार्मोनिक जो प्रेजेंट रहेंगी हमारी वेव में वो कौन सी रहेगी, फाइव एन, वापस फोर एन गायब हो गई, फोर एन से हम इसको वाइब्रेट नहीं करा सकते। तो ये कौन सी हार्मोनिक है, फिफ्थ हार्मोनिक, कौन सी हार्मोनिक है फिफ्थ, और इसको हम फोर्थ ओवरटोन बोलेंगे क्या, तो बिल्कुल नहीं, इसको हम बोलेंगे सेकंड ओवरटोन, क्योंकि ओवरटोन्स विल ऑलवेज प्रेजेंट, दिस इज फर्स्ट हायर फ्रिक्वेंसी अदर देन बेसिक फ्रिक्वेंसी। तो इस फर्स्ट हायर फ्रिक्वेंसी को बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड हायर फ्रिक्वेंसी को बोलेंगे सेकंड ओवरटोन। तो ओवरटोन विल ऑलवेज बी प्रेजेंट। नेक्स्ट वाला ओवरटोन मिलेगा हमको थर्ड ओवरटोन, वो कहाँ पे मिलेगा, सेवन एन पे ठीक है। उसके बाद मिलेगा नाइन एन, इलेवन एन, थर्टीन, फिफ्टीन, ऐसे मिलते जाएंगे, ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहेंगे सिर्फ इस केस में ठीक है। और वैसे आगे आगे हम ओवरटोन का नंबर भी देते जाएंगे। तो क्या होगा, हमको पीथ ओवरटोन अगर चाहिए होगा ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, टू प्लस टू पी प्लस वन हार्मोनिक कर लो, सेकंड ओवरटोन पे फिफ्थ हार्मोनिक, पी का वैल्यू टू डाल दो, टू इंटू टू प्लस वन, फोर प्लस वन फाइव, फिफ्थ हार्मोनिक जो है वो सेकंड ओवरटोन ठीक है। थर्ड हार्मोनिक के लिए चेक कर लो, पीथ ओवरटोन चाहिए मतलब फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन, तो पीथ ओवरटोन मतलब पी की जगह पे फर्स्ट ओवरटोन कब मिलेगा, टू इंटू वन टू प्लस वन थ्री हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक पे मिलेगा ठीक है। वैसे ही तुमको कितना भी हार्मोनिक का नंबर दो, सॉरी कितना भी ओवरटोन का नंबर दो, उसके लिए आपको कौन सा हार्मोनिक निकालना पड़ेगा वो आप इस फॉर्मूले से चेक करके निकाल सकते हो ठीक है। खाली इतना याद रखना है कि ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहेगी ठीक है, और उसके बाद में हार्मोनिक्स ऐसा है, देखो हार्मोनिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन हम बनाएंगे, द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट ठीक है इन द वेव और द इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी आर कॉल्ड एज हार्मोनिक्स। फिर से एक बार बताता हूँ मैं, द लीस्ट फ्रिक्वेंसी विथ विच द स्ट्रिंग और एयर पाइप कैन वाइब्रेट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, एंड द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी एंड द इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी आर कॉल्ड हार्मोनिक्स। तो हार्मोनिक्स मतलब क्या, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी एंड इट्स इंटीजर मल्टीपल्स ठीक है, उनको हम बोलेंगे हार्मोनिक ठीक है। ओवरटोन हार्मोनिक प्रेजेंट हो भी सकते हैं, हार्मोनिक प्रेजेंट नहीं भी हो सकते ठीक है। अभी इस केस में देखा हार्मोनिक, कुछ कुछ हार्मोनिक प्रेजेंट है, कुछ कुछ नहीं है। ओवरटोन्स के बारे में क्या बोलेंगे, द फर्स्ट हायर फ्रिक्वेंसी अदर देन फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ठीक है इज कॉल्ड एज फर्स्ट ओवरटोन। और जनरल डेफिनेशन कैसे बनेंगे, द नेक्स्ट हायर फ्रिक्वेंसीज अदर देन फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी विच आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द वेव इज कॉल्ड ओवरटोन्स और आर कॉल्ड ओवरटोन्स। ऐसी नेक्स्ट हायर फ्रिक्वेंसीज, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज के बाद, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के बाद की नेक्स्ट हायर फ्रिक्वेंसीज जो एक्चुअली वेव में प्रेजेंट कर सकते हैं, जिस फ्रिक्वेंसी पे हम स्ट्रिंग को या एयर कॉलम को वाइब्रेट करा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ओवरटोन्स। ओवरटोन्स हमेशा प्रेजेंट होंगे, फर्स्ट ओवरटोन प्रेजेंट है, सेकंड ओवरटोन प्रेजेंट रहेगा, थर्ड रहेगा, फोर्थ रहेगा, सारे ओवरटोन्स प्रेजेंट रहेंगे, कुछ हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहेंगे, कुछ नहीं रहेंगे। तो दोस्तों यही था वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग, और जिसके हिसाब से मैंने, जिसके सहारे से मैंने बता दिया है आपको हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स क्या होती है ठीक है। अभी एक छोटा सा टॉपिक बचता है, वो है लॉज ठीक है, हम पढ़ लेंगे लॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑन स्ट्रिंग या वाइब्रेशन इन अ स्ट्रिंग। चलो दोस्तों लॉस के बारे में पढ़ते हैं। लॉस के लिए क्या है, सिर्फ फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, वन अपॉन टू एल अंडर रूट टी बाय एम। तो सबसे पहला लॉ है द फ्रीक्वेंसी और द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशंस प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। स्ट्रिंग की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, स्ट्रिंग की
लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम मिलेगी। दिख रहा है लेंथ नीचे है, लेंथ बड़ा तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कम, तो लेंथ ज़्यादा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कम, ठीक है। लेकिन प्रोवाइडेड टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। तो टेंशन और लीनियर मास डेंसिटी इन दोनों ने क्या होना चाहिए, इन दोनों ने कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। ये हो गया पहला रूल। दूसरा रूल है जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ टेंशन, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ टेंशन, प्रोवाइडेड फिर से वही लेंथ एंड एम आर कॉन्स्टेंट। अभी किन को कॉन्स्टेंट रखेंगे, लेंथ और एम। थर्ड क्या होगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है, प्रोवाइडेड टी एंड एल तीनों क्या कॉन्स्टेंट। ये सारे रूल्स हैं, ठीक है, लॉज है, ठीक। और एक लॉ होगा, देखो स्मॉल एम मतलब क्या, मास पर यूनिट लेंथ, किसकी, स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग का शेप कौन सा होता है, स्ट्रिंग का शेप होता है सिलेंड्रिकल, ठीक है, पतला सिलेंडर है बहुत ही, ठीक है। तो मास कैसे निकालते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन ये हो जाएगा लेंथ एज इट इज। डेंसिटी कैसे निकलता है, डेंसिटी का फॉर्मूला या डेंसिटी को डिनोट करते हैं हम रो से, किसी भी मटेरियल का डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। मान लो रो इज डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग, रो इज डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किसका, तो वॉल्यूम हम निकालेंगे सिलेंडर का, और उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वेयर, खड़ा है तो हाइट, लेटा है तो लेंथ। मान लो लेंथ कितनी वायर की, एल है, पर यूनिट लेंथ, वायर की लेंथ वापस है तो कट हो जाएगा, तो मास पर यूनिट लेंथ या लीनियर मास डेंसिटी को मैं लिख सकता हूँ रो इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो चलो इसमें डाल दो, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन अंडर रूट रो पाई आर स्क्वेयर, ठीक है, सही होगा। मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ओके। तो देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ से दो रूल बन जाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है, और बाकी की चीज़ों को कांस्टेंट बोल देंगे, टेंशन कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है वगैरह सब, ठीक है। और उसके बाद में देखो ये बाहर आ जाएगा, तो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखो अंडर रूट आर स्क्वायर, अगर वो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, अंडर आर बाहर आ जाएगा, तो वापस हम बोलेंगे कि फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग, जितनी ज़्यादा सॉरी जितनी मोटी स्ट्रिंग उतनी कम फ्रीक्वेंसी, मोटी स्ट्रिंग मतलब ज़्यादा रेडियस मिलेगा तो कम फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कम मिलेगा, प्रोवाइडेड ये बाकी की चीज़ें सारी क्या है आपकी कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे लॉज, बहुत ही सिंपल है, एक का बताओ रिलेशन, बाकी दो तीन को कॉन्स्टेंट रखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ को हम ऐसे भी ले सकते हैं मास अपॉन लेंथ, मास मतलब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, रो डेंसिटी है, वॉल्यूम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, वो है पाई आर स्क्वायर एल, एल एल कट हो जाएगा पर यूनिट लेंथ की वजह से, और एम को हम ऐसे लिख देंगे, तो उससे क्या होगा, डेंसिटी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिल जाएगा और रेडियस को भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिल जाएगा। तो ये लॉ जो है, चार पाँच लॉ आप कितने भी बोल सकते हो, ठीक है, तो ये लॉ भी हम आराम से प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो आपको हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन समझाने के लिए, और हमने देखा है वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग। अगले लेक्चर में हम देखेंगे वाइब्रेशन प्रोड्यूस कराएंगे, लेकिन किसने, एक पाइप में, ठीक है। पाइप के भी दो केसेस होंगे, पाइप का एक एंड क्लोज होगा, ठीक है, और बाद में दूसरा केस होगा पाइप के दोनों एंड्स ओपन होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।